कई पुरानी मांगे हैं जिस पे सरकार बार बार सहमति जताती है और उनको सहमति जताते हुए लागू नहीं करती है। और इसके इससे आगे जो सरकार ने किया है वो बर्खास्त आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का जो मानदेय हमारा बकाया पड़ा है 75% मानदेय हमारा काटा सरकार ने, जबकि सहमति हुई थी कि 100-200 रुपये कटौती की जाएगी, तो वो 75% जो हमारा काटा गया है हम उनकी डिमांड करते हैं कि सरकार हमें जल्द ही दिया जाए। जितनी भी बकाया जो मांग हमारी इससे अलग हैं, जो कि लोकल मांगे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर में झाड़ू का प्रबंध नहीं है, पोछे का प्रबंध नहीं है, कोई बर्तन की सुविधा नहीं है, गैस सिलेंडर का प्रबंध नहीं है, किराए का प्रबंध नहीं है, प्रत्येक आंगनवाड़ी सेंटर में मेन्यू के हिसाब से राशन नहीं दिया जा रहा है, वो हम प्रशासन से लोकल स्तर पर मांग करते हैं कि हमें वो भी दिया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सुमन है जी, जिला सचिव जींद। अगर मांग पूरी नहीं होती आगे क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होती है तो स्टेट लेवल पे हमारी जो है अभी जल्द ही कन्वेंशन होनी है और वहाँ कन्वेंशन होने के बाद स्टेट कमेटी की मीटिंग की जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी और आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा। मांग मुद्दे हमारे पेंडिंग है तो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना है और जल्दी ही स्टेट कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी और फैसला लिया जाएगा कि हमें आंदोलन की रूपरेखा किस तरह से बनानी है, किस तरह से हमें उसको आगे लेके जाना है और हमारी पेंडिंग जितने भी मांग मुद्दे हैं सरकार से हमें मनवाने हैं। बीजेपी सरकार है तो निकम्मी सरकार, बहुत बार घोषणाएं मांग मुद्दे अपने मुँह से इन्होंने किया है, लागू बोला है लेकिन लागू करने के लिए तैयार नहीं है। ये बार बार हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है हमारे बच्चों को ऐसे छोड़ के, हमारी ड्यूटी को ऐसे छोड़ के। एक एक दिन की सैलरी हमारे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि हम गरीब तबके से संबंध रखती हैं, 70% महिलाएं इसमें विधवा कोटे से लगी हुई हैं जिनके घर में किसी भी पुरुष का मतलब कोई भी हाथ नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, वो अपने मानदेय से अपने घर को चला रही है। तो आप लोगों को आज के इस सफल आंदोलन के लिए क्रांतिकारी बधाई बहनों और आगे के लिए हमेशा तैयार रहें और जल्दी ही आप लोगों को आगे की सूचना दे दी जाएगी। आप सभी ने आप आज कीमती टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी जो खड़े हैं ये काफी वर्दी में, ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो साथी हमारे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, और सीआईडी के साथी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।